हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी हजरत मौलाना रुखसार अजहरी साहब बोल रहे हैं। जी 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 हजरत, कोई सुन्नी आलिम अगर ये कहे कि इस वक्त हज करने हैं, मैं करीमाबाद से बोल रहा हूँ हजरत। करीमाबाद से? जी जी। ये कहाँ पड़ता है? ये जरा सा आगे है यहाँ से, कानपुर से। अच्छा अच्छा, नंबर कहाँ मिला आपको? हजरत नंबर ले लिया हमने आपका, हमने कहा कि जरा सी ये। अच्छा अच्छा जी, जी बताइए। हजरत, कोई सुन्नी आलिम अगर अपनी किताब में ये लिखे कि इस दौर में हज करने न जाएगा, उसके बारे में क्या हुक्म है? ये तो किसी मुफ्ती साहब के लिखित फतवा ले लीजिए, क्या करना है। वो तो जाहिर सी बात है, एक जो है दीन के अरकान का जो है इनकार कर रहा है ना। जी जी। दीन के अरकान से सुतूर जो पिलर्स ऑफ द इस्लाम है। जी जी जी। उसका इनकार कर रहा है। जी जी। पर इसको जो है लिखित फतवा ले लीजिए, डायरेक्ट वो आपको फतवा दे देंगे। वो तो हजरत ऐसे आलिम को फासिक कह सकते हैं? मैं कह तो रहा हूँ, फासिक का हुक्म, काफिर का हुक्म, गुमराह का हुक्म, सीधा जो है आप जो है बहिर्शीर से फतवा ले लीजिए। जी जी। हाँ, तो डायरेक्ट फतवा दे देंगे, ऐसे जो है टिप्पणी करने से कोई फायदा है नहीं। नहीं नहीं, वैसे ही वो तो मसला ये है कि कुछ लोग जो है तनवीरुल हुज्जा को दलील बनाते हैं। कोई भी मान लीजिए अगर जो है अरकान इस्लाम में से इनकार करता है। जी जी। तो आप जानते साफ साफ, वो किसी भी किताब को हुज्जत बनाने की जरूरत नहीं, वो अरकान इस्लाम का इनकार कर रहा है। जी जी जी। तो काफिर होगा वो? अब आप मेरे मुंह से मत कहलाइए। हाँ, तो मैं इसलिए जो है डायरेक्ट कह रहा हूँ कि इसमें क्या होगा ना, फतवा आ जाता है। जी जी। अच्छा, जामे अजहर के बारे में कुछ बताएं हजरत। सुन्नी अकीदे के ऊपर नमाज होती है वहाँ या देवबंदी मसलक के ऊपर? ना, वहाँ वहाँ देवबंदी और ना सुन्नी है, ठीक है। वहाँ शाफई मसलक पे होती है, ठीक है। जी जी जी। इमाम शाफई के मसलक पे होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ आपका 95% मान लीजिए लोग शाफई है, और 5% आपको इमाम हम्बल के मानने वाले मिलेंगे। जी जी जी। हाँ, तो सही है। तो वहाँ सबको मुसलमान तो मानते हैं जी, जैसे देवबंदी जो भी जरूरियात दीन का इनकार नहीं करता है वो मुसलमान है। जी जी जी। जामे अजहर की नजर में जी जी, जरूरियात दीन का कोई इनकार न कर रहा हो। जी जी। जरूरियात दीन में से कोई इनकार कर रहा है तो काफी जाहिर है, बिल्कुल काफिर है। बस ये है उसूल, ठीक है। हाँ हाँ जी। मतलब हमने साफ बता दिया आपको, जरूरियात दीन में से कोई इनकार कर रहा है अगर, तो जामे अजहर में वो काफी है। जी जी। जरूरियात दीन में से अलग, उसके अलावा कोई इनकार कर रहा है, उसी में इख्तलाफ कर रहा है, तहकीक पेश कर रहा है, जी, तो फुरुई इख्तलाफात में आ जाता है। जी। और उसकी जो है जगह है इस्लाम में। जी जी। हाँ, तो और उसका अलग हुक्म होता है, कोई फिस्क का हो जाता है, कोई गुमराह का हो जाता है, कोई अलग हुक्म हो जाता है वो। जी जी। हाँ, लेकिन वो इस्लाम के दायरे में रहता है ये। जी 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 जी। हाँ, अब जी खाली देवबंदियों का ये मसला नहीं, देवबंदी आपके कितने हैं यहाँ? जी जी, ये तो अपने यहाँ ही है ना। जी जी जी। क्योंकि देखिए सूफीज्म सेल्फिज्म चलता है बाहर, देवबंदी सुनिए सब है, सूफी का जो है और जो है सल्फी। जी। सल्फी के तहत में वहाबिज्म, देवबंदीज्म जितने हैं ये सब आते हैं। जी, है ना। और सूफी में जितने हैं वो सब आते हैं। अब भाई बरेलवी ढूंढेंगे तो आप नहीं मिलेगा ना वहाँ। जी जी। आप बाहर बरेलवी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, ठीक है। सुभान अल्लाह। बरेलवी नहीं मिलेगा, बरेलवी तो आपके यहाँ मिलेगा, बांग्लादेश में मिल जाएगा। जी, मिल जाएगा। इसी तरह देवबंदी का है, इसीलिए हम जब इंटरनेशनल बात करते हैं तो आदिया देखते हैं क्या वो सूफी के स्कूल ऑफ थॉट के तहत है या वो सलफी की स्कूल ऑफ थॉट के तहत है। जी 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 जी। हाँ, तो देवबंदी और ये सब दोनों ही मुसलमान हैं। हाँ, तो देखिए, हाँ उस एतबार से कि गुजरियात दिन का इनकार नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, क्योंकि हदीस करीमा से भी बहुत सारे साबित है ना, तो इसलिए जो है। जी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।